रब्बा इस तबाही नू रोक। किसी ने भी नहीं सोचा सी कि इस तबाही नाल लोकां नू अपने घर छड्डने पैणगे। सब तो पहला तो यह जानकारी सब तक पहुँचा दिओ कि चांदपुरे दे बन तो बाद पंजाब दे विच एंट्री हो गई इस पानी दी ते लोकां नू घर छड्डन लई मजबूर होना पै गया। घरां दा समान ट्रालियां टैंपू दे विच धर के लोक घरां तो बेघर होण दे लई मजबूर ने ते इह वी नहीं पता वी आउंदिआं नू इह मकान इत्थे होणगे या ढह जाणगे, क्योंकि कच्चे मकानां दे विच रहिंदे ओह गरीब लोक अज सारे इस गल्लों मजबूर ने कि पानी आ रिहा है, तबाही गेट ते है, पर लोक कर कुछ भी नहीं सकते। देखो किवें घरां दे बाहर मिट्टी लगा के पानी तो बचण दी कोशिश कीती जा रही है, पर घग्गर दा बहा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है ते जिसनूं देख के लोगों के सहम का माहौल है, पिंडां दे विच सहम का माहौल है। तस्वीरां गोरखनाथ पिंड दियां ने, जो पहला पिंड हरियाणे तो बाद पैंदा तां पानी लगातार अपनी तेजी दे नाल वाधा होया पिंडां वल नुकसान करन दी तैयारी नूं लैके आ रहा ते परमात्मा दा कहर कुदरत दा कहर लगातार बरस रहा है। ते आ देख सकदे हो सड़क दे उपर बिल्कुल लेवल दा पानी हो चुका है ते लोग तैयारियां कर रहे ने इस तबाही तो नजिठण दियां। वध तो वध वीडियो नूं शेयर कर दिओ ते परमात्मा अगे एक अरदास वाहिगुरु लिख कमेंट कर दिओ कि अरदास कर सकीए कि इस दहशत तबाही तो बचाया जा सके, परमात्मा इस कहर नूं रोक के ते लोकां दा नुकसान होणों बच सके। देख सकदे हो तस्वीरां दे विच पाणी किवें पिंडां दे वल वध रिहा है ते किन्ना नुकसान पिंडां दे खेतां दा उस फसलां दा हो गया। इंज लगदा है कि किसी ने पाणी छड्डता होवे ते नहर खुली पिंडां दे वल नूं आ रही होवे तां इह नुकसान तबाही वधदी पिंडां वल नूं आ रही है ते मानसा दे पिंड कुलरियां दे विच एंट्री करदा होया पाणी लोकां दे विच दहशत दा माहौल है ते लोक अपने घर छड्डण दे लई मजबूर होए ने। बहुत मुश्किल दे नाल तैयार कीते आशियाने अज छड्डणे पै रहे ने, क्यों? क्योंकि पाणी दा स्तर वधदा जा रहा है ते पाणी दहशत करता होया तबाही करता होया पिंडां वल नूं आ रहा ते लोकां नूं अपने घर छड्डणे पै रहे है। देख सकदे हो किस तरीके दे नाल पिंडां दे विच ट्रालियां भर भर के लोकां दे दरवाजिआं दे बाहर सिटियां जा रहीआं कि घरां दे विच पाणी एंटर ना हो सके, पर पाणी बहुत तेजी दे नाल पिंडां वल नूं वध रहा है। इन्ना कहर देख के इंज लगदा कि ये लोग जो अपने घर विच्चों अपने पशु अपना समान लैके पिंडां तों शहर वल नूं जा रहे ने तो इन्हां दे उपर की बीतदी होएगी। रो रो के बयान कर रहे ने ये पिंडां दे लोक हाल अपना, वह भी तुहानूं सुनावांगे ते वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ। इन्हां दे हाल देख हर एक बंदे दे अखां चों हंझू निकल जाणगे, क्योंकि जिसने अपना घर छड्डना हुंदा उस दे लई किन्ना औखा हुंदा। अज तुसीं इस वीडियो दे विच देखोगे तो महसूस भी करोंगे भी जिस घरां दे विच पाणी आउंदा दहशत तबाही आउंदी है तां उहनां दे उपर की बीतदी है। अज इह घर खाली करके जो समान ट्रालियां टैंपू दे विच धर के घरां नूं छड्ड के बाहर निकले ने इन्हां दी बहुत वड्डी मजबूरी है। की मजबूरी है वह सुनोगे तां अखां भर आउणगीआं, क्योंकि पाणी ने इन्नी ज़्यादा तबाही पंजाब दे विच मचा दित्ती है तां हुण मानसा ज़िले दे पिंडां दे विच वी इह तबाही जिहड़ी है वह वधनी शुरू हो गई है ते लोक अपने घरां दा समान ट्रालियां दे विच भर के शहरां वल नूं कूच कर रहे ने। तस्वीरां दे विच देख सकदे हो किन्ने औखे ने लोक, मजबूर किन्ने ने हालातां दे हत्थों, ते हालातां ने इन्ना क मजबूर करता कि इन्हां नूं अपना सारा समान चुक के निकलना पै रहा अपने आशियाने छड्ड के। बड़ी मेहनतां दे नाल ओह घर बनाए ने, पर बाद दे विच पता नहीं कि ओह इन्हां नूं मिलणगे भी या नहीं। हुण तुसीं सुनो उन्हां परिवारां दे हालात जो अज घर छड्डण लई मजबूर होए ने ते किवें ओह अपना हाल रो रो सुना रहे ने। झोपड़ी लानिया पैंदियां ने जी, पहला अज तो 30 साल पहला आया सीगा जी पानी, ओदो भी झोपड़ियां लाई सी, तंबू लाने पैंदे ने जी। घर छड्डना किन्ना औखा लगदा? बड़ा औखा जी, करिए की जी, हुण मजबूरी है। किन्ने क लोग भागे पिंड चो? हुण छड्ड लोग बहुत भागे जी, जा नहीं लग रहे नहीं, आथन तक सारा पिंड खाली हो जूगा जी। ये किन्ना क पानी आ जांदा हुंदा? पानी 30 फुट तक उच्चा होगा जी, इत्थे तक पानी आ जांदा जी। पहला तुसीं ऐ ला लो जी, घर कोर सारे डिगे सीगे जी, कुछ नहीं रहा सी पिंड च, जमी तबाही मच गई सीगी। हुण की लगदा फिर जदों पानी? हुण भी इही सलाह हो रही है जी भी इन्नी पानी आऊगा जी, हुण पिछों छड्डी आ रहा गा पानी, मन टुट गया गा पानी वध सकदा घटदा नहीं गा जी। ओदों बाद करोंगे की जो कदों पानी इत्थों जाऊ घर किवें आ के सामने? नहीं ओ तां हुण जदों पानी घटूगा जी फेर जाणा पऊगा जी, महीने नूं घट जाओ, 20 दिनां नूं घट जाओ जी,
उचे घर ची बाकी समान लदी जा रहे सूरे छड जांगे जी कुछ ले जांगे होर की करांगे जी हुण ऐ जी सारा समान तां जांदा वी नहीं ना फिर जिहड़ा रह गया ऐ नहीं होगा वी ते खराब ऐ फिर की करिए जी हुण मजबूरी है जी समान सारा चिक्या नहीं जांदा जी हुण निक्के निक्के किन्ना औखा लगदा घर छड्डणा बहुत औखा लगदा जान बचाण वाला औखा रहा मत हां जवाक भी बैठे गड्डी जवाका नाल लेके सारा घर छड्डना पै रहा कि औखा लगदा औखा बेटे औखा बहुत जवाक करे जावेंगे पानी मैं करके औखा तो बधेरा बेटे तुसीं देखिया बापू पहला घर बार छड के समान छड के जा रहे बच्चा नु लेके किते नहर दे डेरा लावांगे जे किते रिश्तेदारी जाना पऊगा फिर बाबा ये सोच के आए सी भी पंजाब च खुश रहोगे ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਆ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਹੂਗੇ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੂ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਵਾਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇਗਾ ਬਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਗਾ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਦਰੀਏ समान ले गए जी चके कसूर सिटिया रिश्तेदारियां च पहुंचाया जी लाइट कदों दी कटी है हैगी लाइट तो जी कटी नहीं फिर हुण गाहां की लगदा गाहां की करोगे आने वाले समय की सोचोगे देखो लाइट कट दी फिर तो कोई हिले ही नहीं साडा हैगा मच्छर दा इन्ना डर मच्छर हो रहा बच्चों की बहुत मुश्किल हो जाएगी छोटे छोटे बच्चे ने चलो।